तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के एक और फ्रेशर कुमाल वीडियो में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे आप अपने स्मार्टफोन के होम स्क्रीन पर गूगल सर्च विजिट को ऐड कर सकते हैं, यानी कि जो गूगल का आपको सर्च बार शॉर्टकट देखने को मिलता है उसे कैसे आप अपने होम स्क्रीन पर ऐड कर सकते हैं दोस्तों, और या फिर कैसे आप उसे कस्टमाइज कर पाएंगे अपने स्मार्टफोन में। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना ताकि हमारे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलते रहें दोस्तों। तो इसके लिए दोस्तों, आपको जहां भी अपने स्मार्टफोन के होम स्क्रीन पर एम्प्टी स्पेस मिलता है यानी कि खाली स्पेस मिलता है, वहाँ पर आपको टैप एंड होल्ड करना है, यानी कि वहाँ पर आपको टैप करके रखना है। और उसके बाद दोस्तों, आपके सामने कुछ ऐसा पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ से आपको नीचे कई ऑप्शंस देखने को मिल रहे होंगे, तो यहाँ से आपको विजेट्स वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है दोस्तों। और उसके बाद आपके सामने बहुत सारे विजेट्स ओपन हो जाएंगे। यहाँ से आपको नीचे स्क्रॉल करना है और नीचे आपको एक ऑप्शन मिलता है गूगल का, और यहाँ पे आपको फर्स्ट विजेट दिया गया है गूगल सर्च बार का, तो आपको सिंपली इस पर क्लिक कर देना है दोस्तों। और उसके बाद जो ये विजेट है आपके होम स्क्रीन पर ऐड हो जाएगा, और उसके बाद आपको सिंपली यहां से डन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। और अगर अभी आप दोस्तों इसे कहीं भी मूव करना चाहते हैं तो आपको सिंपली इस पे टैप एंड होल्ड करके रखना है इस सर्च बार पे, और इसके बाद आप इसे कहीं भी मूव कर सकते हैं। अगर आप इसे नेक्स्ट पेज पे लगाना चाहें तो वहां भी आप इसे सेट कर सकते हैं दोस्तों। और इसके बाद यहाँ से आप इसके साइज को भी कस्टमाइज कर सकते हैं दोस्तों। तो जैसा कि अभी मैं आपको साइज कंप्रेस करके दिखाता हूँ, इसके साइज को नॉर्मल कर देने के बाद दोस्तों, अभी हम बात करते हैं कि कैसे आप इसे कस्टमाइज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग अपने स्मार्टफोन में। तो उसके लिए दोस्तों, आपको सबसे पहले गूगल ऐप को ओपन कर लेना है। तो जैसे ही आप दोस्तों इसे ओपन कर लेते हैं, आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पर नीचे राइट कॉर्नर में आपको एक मोर का ऑप्शन दिखाई देगा, आपको सिंपली इस पर क्लिक कर देना है दोस्तों। तो यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं दोस्तों। तो यहाँ से आपको कस्टमाइज विजिट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, और उसके बाद आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ से आप इस सर्च बार को कस्टमाइज कर सकते हैं। तो जैसा कि आपको यहाँ पे जो फर्स्ट ऑप्शन मिलता है, आपको सिंपली इस पर क्लिक कर देना है, और यहाँ से दोस्तों आपको जो सर्च बार में जी लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, आप इसको गूगल से चेंज कर सकते हैं। और उसके बाद दोस्तों, यहाँ पे आपको नेक्स्ट ऑप्शन मिलता है इस सर्च बार की शेप को कस्टमाइज करने के लिए। तो यहाँ से आप दोस्तों कोई भी शेप सिलेक्ट कर सकते हैं। और उसके बाद दोस्तों, यहाँ से नेक्स्ट ऑप्शन पे अगर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ से आप इस सर्च बार के कलर को चेंज कर सकते हैं। आप यहाँ से इसे ब्लैक एंड वाइट भी कर सकते हैं, या फिर आप इसके बैकग्राउंड का जो भी कलर रखना चाहते हैं वो सिलेक्ट कर सकते हैं दोस्तों। और उसके बाद अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की, तो यहाँ पे दोस्तों अगर आप उस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ से आप इस सर्च बार की ट्रांसपेरेंसी को सिलेक्ट कर सकते हैं कि ये सर्च बार कितना ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। तो जैसा कि अभी मैं इसे रैंडमली सिलेक्ट कर लेता हूँ दोस्तों। और इसके बाद अभी जो आपने सर्च बार में जो चेंजेस किए हैं उनको सेव करने के लिए आपको जो ऊपर डन का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, आपको सिंपली उस पर क्लिक कर देना है दोस्तों। और इसके बाद जो ये सभी चेंजेस हैं वो सेव हो जाएंगे। तो जैसा कि अभी मैं आपको होम स्क्रीन ओपन करके दिखा देता हूँ कि हमारी जो सर्च बार विजिट है वो कस्टमाइज हो चुकी है दोस्तों। तो ऐसे ही आप भी दोस्तों अपने स्मार्टफोन के होम स्क्रीन पर इस गूगल सर्च विजिट को ऐड कर सकते हैं और उसे कस्टमाइज भी कर सकते हैं दोस्तों। तो चलिए फ्रेंड्स, यही था फिलहाल की वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलते रहें दोस्तों। और अगर आपके स्मार्टफोन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप उसे कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं, हम उस पर भी वीडियो जरूर बनाएंगे दोस्तों। तो चलिए फ्रेंड्स, बाय बाय, टेक केयर एंड पीस आउट।